माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है, माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पवित्र यूक्रिस्त के विषय में सीखते हुए आ रहे हैं। अब तक 10 क्लास हो चुका है। इन 10 क्लासों में हम लोगों ने पुराने विधान के अंदर जो पवित्र यूक्रिस्तीय बलि का जो प्रतीक है किस प्रकार हुआ है और वो ईसा मसीह में कैसा पूरा हुआ, इसको हम लोग देखते हुए आए। कई व्यक्तित्व, कई घटनाएं, ये सब ईसा मसीह के उस कलवारी बलि की ओर हमें लेकर के जा रहा था। वो जो कुछ भविष्यवाणियां, जो कुछ घटनाएं पुराने विधान में हुआ, वो सब ईसा मसीह में पूर्ति हुआ, हम लोगों ने ये देखा। और उससे बढ़कर के पुराने विधान के जो बेलियां, वो ईसा मसीह के कलवारी बलि का प्रतीक था, ये भी हम लोगों ने देखा। और पुराने विधान के बलि में दो प्रकार का जो भेंटे अर्पित करना, जानवर का हो या जो खेतीबाड़ी का जो उपज का रोटी दाकरस, ये सब हम लोगों ने देखा। नए विधान में ईसा मसीह में, ईसा मसीह के उस कलवारी बलि में पूरा हुआ है। अब सवाल है, ईसा मसीह ने अपने कलवारी बलि के पूर्वी संध्या में लास्ट सप्पर के रूप में पवित्र संस्कार को, पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार को, पवित्र रोटी को क्यों स्थापित किया? क्या ये दोनों पवित्र यूक्रिस्तीय बलि और कलवारी बलि दोनों एक है, एक बलि है या दो है? क्यों ईसा मसीह ने ये रोटी दाकरस का बलि अर्पित करते हुए इसका स्थापना किया और शिष्यों से कहा यह मेरे यादगारी में किया करो? तब से लेकर के आज तक कलीसिया में प्रभु ईसा मसीह के यादगारी में, क्रूस बलि के यादगारी में ये बलि अर्पित करते हुए आ रहा है। तो दो सवाल यहाँ उठा है। सबसे पहले, क्यों प्रभु ने इसका स्थापना किया? दूसरा, क्या ये बलि दोनों एक बलि है? सबसे पहले उसी के ऊपर देखते हैं, क्या ये दोनों बलि एक बलि है या दो? प्रत्यक्ष रूप से देखें, कलवारी में हम लोग देखते हैं एक मनुष्य क्रूस पर पड़ा है, रक्त बहाकर अपना प्राण अर्पित करते हुए एक बलि, जिसके द्वारा संसार का मुक्ति हुआ है। ईसा मसीह अपने ऊपर संसार के सारे पापों को उठाकर, उस क्रूस के रूप में उठाकर पापों के लिए प्रायश्चित कर, जो मनुष्य ने जो पाप किया उसका प्रायश्चित कर हमें पाप के उस बंधन से, उस गुलामी से मुक्ति दिया, आजादी दिया। इस प्रकार क्रूस बलि के द्वारा ईसा मसीह ने मानव जाति को पिता के साथ, ईश्वर के साथ मेल करवाया, स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया। तो कालवरी बलि में हम लोग देखते हैं अपना रक्त बहा करके पाप का प्रायश्चित करना और उसके द्वारा मानव जाति को मुक्ति मिलना।
तो उसके पूर्वी संध्या में रोटी और दाकरस का ये बेली क्यों अर्पित किया, इसको हमें समझने की जरूरत है। क्या ये दोनों एक बिली है या ये दो बिली है? एक जगह पर एक व्यक्ति अपना रक्त बहाकर बिली अर्पित करते हुए पाप मुक्ति संसार को दे रहा है, दूसरी जगह पर वही व्यक्ति रोटी और दाकरस लेकर के आ रहा है और आशीर्वाद देकर उसे तोड़ करके अपने शिष्यों को देखते हुए कहते हैं, मेरा शरीर है, मेरा रक्त है। ये नया विधान का, नूतन विधान का विधान है, ये बोल करके दे रहा है, जिसके द्वारा मानव जाति को पाप मुक्ति मिलेगा, जिसके द्वारा मानव जाति के साथ ईश्वर निवास करेगा, जिसके द्वारा स्वर्ग राज्य के योग्य उस आनंद जीवन मिलेगा, इसका शिक्षा प्रभु दे रहा है। तो ये दोनों एक बेली है कि नहीं, हम लोग देखते हैं कालवरी में ईश्वर मानव जाति के पापों का प्रायश्चित कर रक्त बहा करके अपना शरीर और रक्त को अर्पित करते हुए वो अपना प्राण अर्पित कर रहा है, उनका मृत्यु हो रहा है। लेकिन यूक्रस्तीय बलि के अंदर वहां पर प्रभु का शरीर और रक्त को हम लोग नहीं देख रहा है, बल्कि वहां पर एक रोटी है और दाकरस है, उसी को अर्पित करते हुए प्रभु कहता है कि यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। इसका मतलब कलवारी में प्रभु ईसा मसीह ने जो अपना शरीर और रक्त को अर्पित किया, वहां पर रक्त बहा करके बिली हुआ, उसकी पूर्वी संध्या में प्रभु ईसा मसीह रोटी और दाकरस लेकर के संस्कारी के रूप से संस्कार के रूप में या साक्रमेंटली अपने को अर्पित कर रहा है, मेरा शरीर है, मेरा रक्त है बोल करके। मैंने कल के क्लास के अंदर बीती दिनों में कई क्लास इसके ऊपर ले चुका है, किस प्रकार ईसा मसीह ने इस रोटी दाकरस को अर्पित करने के पूर्व में इस बलि की ओर हमें लेकर के आया, और उस रोटी और दाकरस किस प्रकार शरीर में रक्त में परिवर्तित होता है वो भी हम लोगों ने सीख लिया। अगर सीखा है हम लोगों ने बीती दो तीन क्लास लगातार दे करके आया है, तो यहां पर आपको अभी डाउट नहीं होगा। जो कलवारी में जिस प्रभु ने बेलि अपना शरीर रक्त का अर्पण करते हुए बेलि अर्पित किया, वही प्रभु, इसका मतलब जो पुरोहित अर्पण करने वाला, अर्पित करने वाला जो पुरोहित, वो एक ही है। वहां पर अपना शरीर और रक्त को अर्पित किया, यहां पर प्रभु सैक्रमेंटली रोटी और दाकरस को अर्पित करते हुए कहते हैं, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। इसका मतलब यहां पर भी ईसा मसीह ने अपना शरीर को और रक्त को ही साक्रमंडल रूप से, साक्रमंड के रूप में वो उन्होंने अर्पित किया। वो अपना शरीर है, रक्त है। इसका मतलब वहां पर प्रीस्ट ईसा मसीह था, यहां पर भी वो अर्पित करने वाला प्रीस्ट पुरोहित ईसा मसीह है। वहां पर जो अर्पित करने वाला मेमना प्रभु ईसा मसीह स्वयं था, इसका मतलब विक्टिम भी ईसा मसीह स्वयं है। और यहां पर भी हम लोग देखते हैं रोटी और दाकरस के रूप में विक्टिम प्रभु ईसा मसीह स्वयं है। इसलिए हम लोग सबसे पहले ये कहना चाहिए, कलवारी बिली, यूक्रिस्त बिली, ये दोनों बिली एक ही बिली है, क्योंकि अर्पित करने वाला व्यक्ति और जो अर्पित करने वाला वस्तु, जो विक्टिम, ये दोनों एक होने के कारण ये दोनों एक ही बिली है।
अभी हम लोग एक और बात को समझने की जरूरत है। ईसा मसीह ने दूसरा को एक बलि अर्पित नहीं किया है। अंतिम भोजन के समय पर जो कलवारी में जो बलि है उसी बलि का भाग है। बीती क्लासों में मैंने ये भी आपको बोल करके दिया था, यहूदियों का पास्का भोज के विषय में उस पर्व के समय पर ही इसको अर्पित किया, ताकि लोगों को वो समझने में कोई कष्ट ना हो, कोई प्रयास ना हो। इसलिए पास्का भोज के समय पर ही पास्का मेमना बन करके अपने को अर्पित करने वाला यीशु इस जो रोटी और दाकरस का बलि भी अर्पित किया। पास्का भोज के ये जो पार्ट को मैंने हाल ही में क्लास में बता करके दिया, विशेषकर जो कपों की विषय में, कपों के विषय में यहां पर तीन कप कदम हो रहा है। चौथा कप के विषय में ही मैंने एक और क्लास लेकर के बता करके दिया, ये चौथा कप कौन सा है ये इसको समझाया था। तो ये दोनों एक बलि है, ये एक बलि होने के लिए ही पुराने विधान के अंदर जो पांच बलियां उसके भी हम लोगों ने मनन चिंतन कर चुका है, वो पांच बलिया में एक बलि है अन्न बलि जो है रोटी और दाकरस को अर्पित करने वाला, और ये पांचों बलि मिलकर के ईसा मसीह का एक बलि है, कलवारी बलि है, क्रूस बलि है। इसलिए हम ये बोल सकता है ईसा मसीह के जो अंतिम भोजन के समय पर जो अर्पित करने वाला रोटी दाकरस का ये बलि भी ईसा मसीह के क्रूस बलि ही है, उसका प्रतीक नहीं है, एक दूसरा बलि भी नहीं है, एक नया बलि भी नहीं है। कालवरी में अपना शरीर रक्त को वो अर्पित कर रहा है, यहां पर ब्रेड और वाइन को, रोटी और दाकरस को अपने शरीर में ट्रांस सब्सटेंसिएशन तत्व परिवर्तन मैंने बोला था, इसके द्वारा उसी को वो अर्पित किया है। अभी इसका क्या जरूरत था, इसको कहते हैं मेरी यादगारी में ये किया करो। ईसा मसीह ने कहा है मेरे याद करने के लिए। कुरिन्थियों का पहला पत्र उसके अध्याय 11 के अंदर अगर हम वाक्य 26 को पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस कहते हैं इस प्रकार, जब जब आप लोग यह रोटी खाते और ये प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। प्रभु ईसा मसीह का सेकंड कमिंग तक प्रभु का दुख, कष्ट, पीड़ा, उनका मृत्यु, उनका जीव उड़ना, ये सब को याद करने के लिए यादगारी के रूप में इसको मनाया है। और लूकस के सुसमाचार के अंदर लूकस का सुसमाचार अध्याय 22:22 वहां पर भी हम लोग देखते हैं वाक्य 19 से आगे, इस परम प्रसाद की स्थापना करते हुए प्रभु ईसा मसीह रोटी और दाकरस ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी, उसे तोड़ करके शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। इसके बाद क्या कहते हैं, यह मेरी स्मृति में किया करो। ईसा मसीह ने आदेश दिया है कि ईसा मसीह के इस दुख भोग, उस कलवारी बलि की यादगारी हम लोग क्रिश्चिय लोग मनाते रहने के लिए इसको दिया है। इसका मतलब यादगारी के रूप में, परपेचुएशन के रूप में इसको दिया है। वहां पर हमें मालूम है ईसा मसीह स्वयं पुरोहित बन करके, विक्टिम बन करके, बलि अर्पित करने वाला व्यक्ति और बलि वस्तु बन करके वहां उपस्थित रह करके बलि अर्पित किया। इसके बाद आग्रह करते हैं प्रभु ईसा मसीह के दोबारा आने तक उनके यादगारी कलीसिया में बनाए रखना। इस प्रकार हम लोग ये बोल सकता है कलवारी बलि को ईसा मसीह के सेकंड कमिंग तक मनाने के लिए दूसरा बलि नहीं, वही कलवारी बलि प्रतिदिन मिस्सा बलिदान के रूप में हरेक चर्च में अर्पित किया जाता है। ये एक
यादगारी ही नहीं बल्कि एक स्मारक के रूप में भी इसको प्रभु ने अर्पित किया है। स्मारक, मेमोरियल, मेमोरियल में और यादगारी में फर्क है। मेमोरियल जो शहीद लोगों का जो मेमोरियल, वार मेमोरियल, हमें मालूम है हमारे भारत देश में वार मेमोरियल बनाया हुआ है जिसको हम लोग इंडिया गेट कह करके रखा हुआ है, वार मेमोरियल स्मारक है। ईसा मसीह का दुख भोग, उनका मृत्यु, उनका जीव उठना, उनका स्वर्गारोहण, ईसा मसीह का एक स्मारक है पवित्र मिस्सा बलिदान। इसका मतलब प्रतिदिन हम लोग पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने का अर्थ है हम प्रभु को इस बलिदान के द्वारा स्मरण कर रहा है। उन्होंने अपना स्मारक स्थापित किया है, उसको हम प्रतिदिन मनाते हुए प्रभु का उस क्रूस बलिदान का स्मरण। इसका इसलिए मैंने इस क्लास का प्रारंभ में, फर्स्ट क्लास में ही मैंने ये बोल करके दिया, इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं है, क्योंकि ये प्रार्थना ईसा मसीह ने अपने अधिकारी के लिए, अपने क्रूस मृत्यु, उन्होंने जो मुक्ति कार्य जो कार्य किया है, जो रिडेम्पटिव वर्क जो ईसा मसीह ने किया है, उसको याद रखने के लिए स्थापित किया हुआ है। इसका मतलब एक यादगार भी, एक स्मारक भी है। ये कुरिंथियों का पहला पत्र दिया है 11:26 में हम लोगों ने पढ़ा, यही हमें बता करके दे रहा है। अभी सेकंड, इसको मनाने से क्या क्या फायदा है, क्यों मनाने के लिए प्रभु ने कहा, उसका पहला उत्तर है मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 28:20 में प्रभु ने कहा, देखो संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। संसार के अंत तक प्रभु इस मेमोरियल के द्वारा, इस यादगारी के, इस कार्य के द्वारा, इस पवित्र यूक्रेस्टीय बलि के द्वारा हमारे बीच में रहने के लिए प्रभु ने इसको स्थापित किया। यदि हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21:3 को पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 21:3, वहां पर लिखा है, देखो ये है ईश्वर मनुष्यों के बीच, ईश्वर का निवास, मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास पवित्र यूक्रिस्त के द्वारा। नबी इसहाक का ग्रंथ अध्याय 45:15 में भी हम लोग पढ़ते हैं, आयसया चैप्टर 45:15 के अंदर नबी इसहाक ने घोषणा किया कि इसराइल का ईश्वर सचमुच वही ईश्वर है जो अपने को छिपाता है, एक रोटी में अपने को छिपाने वाला ईश्वर संसार के अंत तक हमारे साथ पवित्र यूक्रिस्त के रूप में निवास करने के लिए, इसको स्थापना करने वाला, स्मारक बनाने वाला ईश्वर। इसका मतलब पवित्र यूक्रिस्तीय बलि के द्वारा ही हम प्रभु की उस इच्छा को और साथ ही साथ प्रभु का वो दुख भोग, कष्ट, पीड़ा, जो मृत्यु और उनके पुनरुत्थान का स्मरण रख सकता है। इसीलिए ईसा मसीह ने इसको स्थापित किया है। संसार के अंत तक प्रभु ईसा मसीह हमारे बीच में उनका जो उपस्थिति का एक हम लोग बोल सकता है स्मारक है ये पवित्र यूक्रिस्त। दूसरा, ईसा मसीह ने ही योहन का सुसमाचार दिया है 6 हम लोगों ने इसको पढ़ करके आया है, बार बार प्रभु ने कहा स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी हूं। इसके बाद प्रभु ने कहा मेरा जो शरीर खाता मेरे रक्त पीता, क्योंकि मेरा शरीर सच्चा भोजन है, मेरा रक्त सच्चा पेय है, उन्हें अनंत जीवन मिलने के लिए। इसका मतलब हमें अनंत जीवन का योग्य जीवन जीना है तो हमें प्रभु ईसा मसीह के शरीर और रक्त को ग्रहण करना है। ईसा मसीह ने इसीलिए हमारे लिए शरीर रक्त दिया,
ताकि हम प्रभु के साथ प्रभु को ग्रहण करते हुए उस आध्यात्मिक जीवन जिए, प्रभु का जो शरीर रक्त हमें आनंद जीवन की ओर लेकर के जाएगा। ये हमें प्रभु के साथ रह करके हमारा स्पिरिचुअल नरिशमेंट, ये भी हम बोल सकते हैं। अगला, जैसे हम लोगों ने मनन चिंतन किया है प्रभु ईसा मसीह को याद करने के लिए और प्रभु ईसा मसीह के उस बेली में भागीदारी भाग लेने के लिए, 2000 साल पहले कलवारी में जो क्रूस बेली हुआ है, जैसे माता मरियम, संत योहन और अन्य अनेकों लोग उस बेली में सम्मिलित थे, उसी प्रकार आज भी ईसा मसीह के उस बेली में हम सम्मिलित होता है इस पवित्र यूक्रिस्तीय बलिदान के द्वारा। इसका मतलब ईसा मसीह के उस क्रूस बिली का स्मरण करते हुए, यादगारी करते हुए, जब जब हम इस मिसा बलिदान में भाग लेते हैं तो हम उस कलवारी बिली में भाग ले रहा है। अगला पॉइंट, ईसा मसीह ने अपने उस क्रूस बिली के द्वारा, कुरिंथियों का पहला पत्र अध्याय 10 में बहुत ही सुंदर तरीके से संत पौलुस ने इसको सिखा कर दिया। ईसा मसीह ने अपने उस क्रूस बिली के द्वारा यहूदी और गैर यहूदियों के बीच में जो नफरत का दीवार था उसको तोड़ करके उन्हें एकता में लेकर के आया। इसका मतलब ईसा मसीह का जो बेली है एकता को लेके आया, एक भाई भाई के बीच में एकता। और दूसरी बात है, उस क्रूस के द्वारा ईसा मसीह ने हम लोगों को पिता के साथ मेल करवाया, पिता के साथ एक बनाया। तो एकता का प्रतीक है मिसा बलिदान। इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:23 में प्रभु ने कहा, जब तुम बलि अर्पित करने के लिए भेंट लेकर के वेदी के पास आते तब तुम्हें याद आए किसी को तुमसे कोई शिकायत है तो पहले उस भेंट को वहां छोड़ दो, जाकर के उसके साथ मेल कराओ, इसके बाद आकर के इसको अर्पित करना। क्योंकि ये जो बेली है, हम लोगों ने पुराने विधान के अंदर ऐसा दो बेलियों के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। हर साल इसको मनाना नियम था, पश्चाताप का जो प्रायश्चित का जो बेली है, हमारे पापों का प्रायश्चित के रूप में। इसके बाद जो पाप के कारण दूसरों को जो नुकसान पहुंचाया है उस नुकसान का जो पूर्ति है वो भी इसके द्वारा हो रहा है। तो इसका मतलब उसके द्वारा हमें मेल मिलाप में होना जरूरी है। वो बलि अर्पित करने के पूर्व का नियम ही है ये, जाकर के जिसको भी आपने नुकसान पहुंचाया है उसका जो पूर्ति करना, जो भी नुकसान पहुंचाए पहले पूर्ति करो, एक भाव और जोड़ करके उसको दो, मेल हो जाओ, इसके बाद आकर के बलि अर्पित करो। ईसा मसीह ने यहां पर भी यही सिखाया है। ये बलि, प्रभु ईसा मसीह के इस कलवारी बलि हमें मेल कराने वाला, एकता हमारे बीच में लाने वाला बनना जरूरी है। इसलिए हमें एक बनाने के लिए ये बलि प्रभु ने स्थापित किया। यदि हम लोग इस बलि, मिस्सा बलिदान अर्पित नहीं करता, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण नहीं करता, कई लोग रोटी और दाखरस ग्रहण करते हैं केवल यादगारी मनाओ बोल करके, उसका परिणाम क्या है? उसका परिणाम यह है, जो लोग ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं करता वो आज 40,000 से ज्यादा टुकड़ों में टूट करके गया। लेकिन जो कलीसिया ईसा मसीह का यादगारी में इकट्ठा होते हैं, प्रतिदिन इसको मनाते हैं और प्रभु ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हैं, वो 2000 वर्षों से वो पेत्रुस के अधीन एक कलीसिया बन करके रह रहा है। एक कलीसिया है, संत पापा के अधीन रहने वाला वो एक कलीसिया। वो एकता कैसे आया?
क्योंकि हम लोग एक बन करके इस मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहा है। जहां रोटी और दाकरस खाने वाले लोग हैं, हम लोग देखा है ईसा मसीह के समय ही यौहन का सुसमाचार 666 वहां पर ईसा मसीह को छोड़ कर गए। मसीह के कलीसिया से, मसीह के शरीर के अंग से वो अलग है। इसका मतलब कलीसिया से अलग होने का पीछे का कारण ही है ये, मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं कर रहा है। तो ये हमें यूनिटी में लेके आता है। हमारे आपस में यूनिटी चाहिए। हमें प्रभु का शरीर और रक्त को योग्य रीति से प्रतिदिन ग्रहण करना आवश्यक है। इसलिए प्रभु ने इसको स्थापित किया है। अभी अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, जब जब हम लोग पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग ले रहा है, वो उस स्वर्गीय भोज जो लास्ट में मेमने का विवाहोत्सव, उसमें भाग लेने का एक पूर्व आस्वादन है। स्वर्ग में हम मेमने के साथ, मेमने के विवाहोत्सव में जो भोजन कर रहा है, उसका एक पूर्व में एक अनुभव है। ये वाला एंटीसिपेशन ऑफ हेवनली बैंकट कहते हैं, उस स्वर्गीय भोज का पूर्वास्वादन हम लोग इसके द्वारा करते हैं। अभी एक और पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, ईसा मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, यह मेरे यादगार में किया करो। इसका मतलब ईसा मसीह के द्वारा आकर के वो जो लास्ट मेमने के विवाह भोज में सम्मिलित होने तक रोज हमें प्रभु का उस जो साल्विफिक मिशन जो है, प्रभु ने जो कार्य किया है, उसको इस कलीसिया में कंटिन्यू करते रहने के लिए हमें इसको रोज मनाना जरूरी है। सेकंड कमिंग तक प्रभु के उन कार्यों को इसके द्वारा हम कंटिन्यू रखते हैं, उस संदेश को, स्वर्गीय संदेश को इसके द्वारा हम कंटिन्यू रखते हैं। तो पवित्र मिस्सा बलिदान, प्रभु ईसा मसीह जो रक्त रहित बलि, अपना रक्त बहाकर के जो बलि कलवारी में होना है, उसे पूर्व संध्या में स्थापित करने का क्या कारण है? ये दोनों एक बलि है, और इसमें भाग लेने से क्या फायदा है? और नहीं भाग लेंगे तो शैतान किस प्रकार टुकड़ा टुकड़ा कर करके हमें अलग करते हैं प्रभु के शरीर से, यह सब हम लोगों ने आज के क्लास में सुना है। आइए हम अपने आंखें बंद करें, एक निर्णय करें। सबसे बड़ा प्रार्थना, सबसे उत्तम प्रार्थना, सबसे शक्तिशाली प्रार्थना मिस्स बलिदान अर्पित करना, बेली अर्पित करते हुए प्रार्थना करना। उसके लिए ईसा मसीह ने यूक्रस्तीय बलि को ठहराया है, ताकि हम उसमें भाग लेकर प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करें। बलि अर्पित करने वालों को बलि वस्तु को खाना जरूरी है, तभी उस बलि का फल मिलता है। बलि अर्पित करने वाले को उसको खाना जरूरी है, उस बलि का फल उस व्यक्ति को उनके जीवन में मिलने के लिए। इसलिए योग्य रीति से प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करना निर्णय कीजिए। प्रतिदिन यदि संभव है तो मिस्सा बलिदान में भाग लेने का यह हमारा एक सौभाग्य है। हम प्रतिदिन उस कलवारी बलि में भाग ले सकता है। प्रभु का इच्छा है, प्रभु इसलिए इसको स्थापित किया, ताकि हम प्रतिदिन इस बलि में भाग ले। एक क्रिस्तीय व्यक्ति यदि पवित्र यूक्रिस्तीय बलि में भाग नहीं लेते हैं, प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण नहीं करता है, वो ये नहीं बोल सकता मैं क्रिस्तीय हूं। निर्णय कीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए,
प्रतिदिन प्रभु के उस कलवारी बिली के में शामिल होने के लिए प्रभु ने हमें योग्य बनाया। निर्णय कीजिए इस कलीसिया के साथ जुड़े रहकर प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हुए प्रभु के उस कलवारी बलिदान का फलों को हम अपने जीवन में अपनाएंगे। इससे बढ़कर के एक चंगाई की प्रार्थना नहीं, क्योंकि स्वयं चंगाई दादा प्रभु रोटी और दाखरस के रूप में हमारे जीवन में आने वाला संस्कार यूक्रस्तीय बलि, साक्षात प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे शरीर में, हमारे जीवन में आने का शारीरिक रूप से प्रभु आकर के हमें निवास करने वाला एक संस्कार, एक प्रार्थना यही है। इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं, इससे बढ़कर के कोई चंगाई प्रार्थना नहीं, इससे बढ़कर के कोई पाप क्षमा का प्रार्थना नहीं, इससे बढ़कर के कोई अन्य कोई प्रार्थना नहीं। सबसे बड़ा प्रार्थना यूक्रिस्तीय प्रार्थना, इसमें रोज भाग लेने का निर्णय करें। इसके द्वारा प्रभु हमें और हमारे परिवार को आशीष दे, हमारे सारे मनोरथों को पूर्ति करे, हमें चंगाई प्रदान करे, निसंदानों को संदान प्राप्त हो, रोगियों को चंगाई मिले, बेरोजगारों को रोजगारी मिले, अविवाहितों को जीवन साथी मिले। इसलिए निर्णय करे, इसी के द्वारा हम प्रार्थना अर्पित करेंगे। बलि अर्पित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करे, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु।